तो यहाँ पे देखिए एक पैनासोनिक की पीसीबी है, ठीक है। और इसके अंदर फेलियर ये है, इंडोर का फैन चल रहा है, आउटडोर से कोई भी हरकत नहीं हो रही है। हरकत बोले तो ये लाइट देख रहे हैं कंटिन्यू ग्लो कर रही है, जो इसका फैन मोटर है यानी आउटडोर का वो, और कंप्रेसर इसमें से कोई भी नहीं चल रहा है, कितना भी टाइम तक आप इसको लगा के रखो। कम्युनिकेशन की बात रही तो कम्युनिकेशन इसका हो रहा है। उसको पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप जो कम्युनिकेशन का जो वायर है इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो एलईडी इसमें जो ब्लिंक करती है वो 2 टाइम ब्लिंक करने लग रही है। 2 टाइम ब्लिंक का मतलब हो गया कि इसका कम्युनिकेशन फेल है, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर ही इस तरह से लिखा होता है। तो देखिए 2 टाइम्स इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फेलियर, तो ऐसा इसमें एरर आने लगेगा, लेकिन ऐसा एरर भी नहीं आ रहा है। यदि हम इसमें फैन मोटर इसकी हटा देते हैं ये वाली, या यहाँ से कनेक्शन एक ओपन कर देंगे, तो इसमें शो करने लगता है कि इंडोर की फैन फेलियर है। सेंसर अगर कोई निकाल देते हैं तो उसको भी बताने लगता है, लेकिन काफ़ी समय चालू रखने के बाद भी यह पीसीबी कोई भी हरकत नहीं कर रही है। अब इसमें यह होगा कि अगर सोचेंगे तो ये देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रूम का टेम्परेचर जितना चाहिए उससे ज़्यादा कम है, तो भी ये कमांड नहीं देगा इसको चलने के लिए। तो उस कंडीशन में, या ये हो सकता है कि सेंसर की वैल्यू शिफ्ट होकर के ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसा भी नहीं है। सेंसर की जो हम वोल्टेज चेक करते हैं ना, सेंसर का वोल्टेज तो 2.5 2.5 वोल्ट के आसपास है, यानी 2.23 या 2.24 ऐसा। टेम्परेचर इस रूम का ज़्यादा है क्योंकि पसीना आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो उस हिसाब से इसको चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है इसके बावजूद भी। तो इसमें जो प्रॉब्लम है कहीं और है, तो उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे यानी उसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। दूसरा चीज़ है, इसका जो वोल्टेज होना चाहिए, ये सब भी वोल्टेज बराबर है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो ओपीएम का वोल्टेज है ये डिस्टर्ब है। नहीं, ये भी डिस्टर्ब नहीं है, ये परफेक्ट है अपने जगह पे। तो इसमें वो जो वोल्टेज आउटपुट पे, जो ओपीएम के आउटपुट पे होता है, 1.62 के आसपास रहता ही है, तो 1.6265, तो ये वोल्टेज है अपने जगह पे, बराबर है। इसका आउटपुट का तो ये भी सही है, दो इसका सभी का कंबाइन ये रहता है, तो यहाँ भी बराबर है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद नहीं चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण, इससे निकलने वाला जो सिग्नल है इसको चलाने के लिए वो नहीं है, यानी वो सिग्नल ही भेज ही नहीं रहा है। तो इस पीसीबी में खराबी क्या क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकता है कि जो सेंसर से जो 2.23 वोल्टेज जो बन रहे हैं, वो वोल्टेज अगर नहीं जाएंगे तो भी ये कंडीशन खड़ी होती है, तो एक बार हम उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 सेंसर लगे हैं, ठीक है, ये सेंसर, तो इनका वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं वोल्टेज को। तो ये वोल्टेज यहाँ पे है, पोर्ट उल्टा लगा है इसलिए माइनस में शो कर रहा है। तो उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है, जब हमको मालूम है कि उल्टा ही लगा दिए हैं तो उल्टा ही आएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, तो दूसरे वाले पे भी वोल्टेज 2.2823 बराबर है। एमसीयू को जाने वाला वोल्टेज
जो MCU को डिवाइड होगा यहाँ से, तो वो वोल्टेज यहाँ से हो गया यानी सेंटर पॉइंट ये हो गई, तो ये तो होगा डिवाइडर का, ये सेकेंडरी इस तरह से हो करके यहाँ पे आई है इस जगह से, और इस वाले का यहाँ पे है, तो यह भी वोल्टेज अपने जगह पे बराबर है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे एक बार यह भी वोल्टेज देख लेते हैं जो MCU को जाने वाला वोल्टेज है, तो यह भी वोल्टेज देख लीजिए MCU को जो जाने वाला वोल्टेज है वो वहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सेकंड का है यानी दूसरे कॉयल का, यानी एक कॉयल सेंसर और एक रूम सेंसर, तो ये दोनों अपने जगह पे बराबर है। अब इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो इसका मेन इशू क्या है, तो उसको देखते हैं अलग ढंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस PCB का EEPROM निकालेंगे और इसमें प्रोग्राम करके दूसरा यानी फ्लैश कर देंगे, साफ करेंगे इसको, वापस इसमें इस बोर्ड का प्रोग्राम डालते हैं, इसके बाद फिर इसे चलाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे निकालता हूँ, और निकालने के लिए तो तमाम तरीका है, लेकिन अपने पास तो एक ही ये सोल्डर है, इसी से हम निकालेंगे इसे। तो यहाँ पे EEPROM को मैंने निकाल दिया, अब इसमें देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम है या नहीं है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलेंगे कंप्यूटर के। तो ये मेमोरी जो है EEPROM, इसकी नंबर जो है 24C02 है, और ये प्रोग्रामर है, काफ़ी समय से देख रहे हैं यूज नहीं हो रहा था, ये पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये चलिए पहले हम एडाप्टर इसका सेट करते हैं जो इस एडाप्टर में लगेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी आप एडाप्टर में लगाएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे एक नंबर यहाँ पे है ये वाला इधर का लास्ट का एक नंबर, तो एक नंबर ये बनता है, एक नंबर ये बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पे देखिए तो एक नंबर यहाँ पे है, तो उसी तरह रखना है ऐसे। अगर आपने इसे पलटी करके लगा दिया है यानी ये वाला इस तरफ लगा दिए हैं, तो आपको ये ऐसे करके लगाना होगा। तो ये तो सिंपल सा है, अगर छोटी वाली है तो इसमें लगाइए, बड़ा आएगा तो फुल में लगेगा, लेकिन वो कनेक्शन इसके अंदर इस तरह से बनावट ही है कि वो एडजस्ट हो जाता है। तो एक नंबर हमारा ये वाला है हिस्सा, तो एक नंबर हमारा ये है, हम उसी के अनुसार यहाँ पे इसे लगा देंगे और इसे लॉक कर देंगे। ये हो गया, अब हम इसे अटैच करते हैं PC के साथ में केबल लगा करके, ठीक है। अभी केबल लगाएंगे और PC में अटैच करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रामर को लगा दिया, अब हम इसको सॉफ्टवेयर को अपना ओपन करते हैं। अब इसके बाद ऑटो ये कर देते हैं इसको स्मार्ट आइडेंटिटी पे, इसमें लगा हुआ है 2402, तो हम इसी को पहले करेंगे और रीड करेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। इसे रीड करेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम है या नहीं, तो सबसे पहले तो हमें जो ये प्रोग्राम है इसे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लैश करते समय पूरा इसको डिलीट कर दें, कभी नहीं करना है, प्रोग्राम को सेव करके रख देना है। तो अभी इसे मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के लिए कोई एक जगह अपना बना लेंगे जहाँ पे सिर्फ रखने के लिए यहाँ पे, ताकि डेटा कभी भी फ्लैश करें तो वो रखे रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं और आपने डेटा को साफ़ कर दिया और पता चले कि
उड़ जाए। तो मैंने मेमोरी में यहीं पे सेव कर देता हूँ इसे, ये टेम्प्ररी फाइल है। और बफर में देखेंगे तो इसका कोड है यहाँ पे, हेक्स कोड है यहाँ पे, बहुत से हेक्स कोड है, लेकिन इसमें ही कुछ मिसिंग होगा तो हम इसे अभी डिलीट फ्रेश करेंगे, यानी इरेज करेंगे, पूरा क्लीन करते हैं। अब इसे यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लीन हो गया। और अब इसे वापस रीड करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चीप इम्प्टी हो गई है, और बफर में देखेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी बफर में यहाँ पे कुछ नहीं शो करना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसके बाद मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि मुझे फाइल इसमें लोड करनी है। तो मैं ओपन करता हूँ, और हमारे पास जो फाइल है वो मैं यहीं पे रखा हूँ डी में, आपका रखने का स्थान कहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पैनासोनिक फ्लैश मेमोरी, तो पैनासोनिक ये है इसका मॉडल नंबर, मैगमिट का है, तो मैगमिट है ये यहाँ पे। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे राइट कर देता हूँ। ये राइट हो गई, और वापस अब रीड करेंगे तो ये सेव करने के लिए आएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी सेव है। अब यहाँ पे बफर में देखेंगे तो फिर ये प्रोग्राम आ चुका है। अब इसमें कुछ मिसिंग होगा, अगर चाहें तो टैली कर सकते हैं, देखना चाहें तो पुराने वाले से और नए वाले में। इसमें एक भी अगर कोड मिस हुआ तो ये फेल हो जाता है। तो चलिए अब इसे हम वापस इंस्टॉल करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है अभी। तो यहाँ पे EEPROM को मैंने लगा दिया है, साफ भी कर दिया। अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा। इंडोर की फैन चलने लगी। आउटडोर की नहीं चल रही है। थोड़ा पेपर दो ना, वो टेप 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 पेपर थोड़ा सा। इसमें भी एक लगा देते हैं ताकि चलेगा तो दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं पॉज करता हूँ, देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है, थोड़ी सी क्या बहुत ही कम है लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। थोड़ा सा समय लगता है किसी चीज़ का, क्योंकि नए सिरे से जब भी स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत तो थोड़ी होगी। एक चीज़ का फायदा है कि कंप्रेसर अपने को जो चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, किसी को कंप्रेसर चाहिए था, वो बोले थे, मेरे दिमाग में नहीं है कौन सा कंप्रेसर चाहिए था किसके लिए, थोड़ा सा एक बार मैसेज कर दीजिएगा। थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं। तो अभी आउटडोर चलना शुरू हो गया और कंप्रेसर भी चल गया। ठीक है,
तो कंप्रेसर उल्टा लगा है, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो मेन प्रॉब्लम था वो निकल गया। अब सोच सकते हैं कि ईप्रॉम का कैसे मालूम पड़ा कि ईप्रॉम का ही फेलियर है। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है और इसलिए थोड़ा सा लगता है कि बहुत कठिन है, और एक्चुअल में देखा जाए तो कठिन है भी और नहीं भी है, बस सोचने का तरीका थोड़ा बदल देंगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।